इंटरव्यू रिज्यूमे देखता है तो कुछ भी पूछ सकता है रिज्यूमे पे। तो यू शुड बी कॉन्फिडेंट अबाउट योर रिज्यूमे, जो भी तुमने लिखा है उसमें हर चीज के बारे में बता सकते हो, फंसना मत। पर उन्होंने बोला कि गूगल के इंटरव्यू से जस्ट पहले उन्होंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखे थे, उस चीजों ने काफी हेल्प करी बिकॉज गूगल ऑलमोस्ट सिमिलर क्वेश्चंस पे ही फोकस करता है। लिंक्डइन पे रीच आउट करते हैं, लिंक्डइन में बहुत सारे रिक्रूटर्स हैं गूगल के, बहुत सारे SDEs हैं जो गूगल में काम कर रहे हैं, उनको रीच आउट करो। बट सबने बोला तब रीच आउट करो जब तुम्हारी प्रिपरेशन अच्छे से हो जाए। तब ये दोनों इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसपे आएगा ही आएगा तुम्हारे गूगल में इंटरव्यू में, कहीं ना कहीं तुम ना कहीं ना कहीं फेस करोगे। हाय, माइसेल्फ पारिक हियर। सो इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ कंप्लीट स्ट्रेटजी और अ गाइड टू क्रैक अ कंपनी लाइक गूगल। तो यार बहुत सारे लोगों की ड्रीम कंपनी होती है गूगल बिकॉज इट इज एन अमेजिंग प्लेस टू वर्क फॉर। तो मैं उसका ना यार कॉरस्पॉन्डिंग मैंने जिन लोगों ने इंटरव्यू निकाल रखे हैं गूगल के, उनके मैंने इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस को एनालाइज करके पूरी एक समरी बनाई है जो मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ। जनरली उन्होंने बहुत सारी चीजों के बारे में बताया कि उन्होंने कैसे अप्लाई करा, उन्होंने रिज्यूम पे क्या ध्यान रखा, उन्होंने प्रिपरेशन के टाइम क्या ध्यान रखा, उनके इंटरव्यू राउंड में क्या क्या पूछा गया, कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जो इंटरव्यू के कॉरस्पॉन्डिंग इंपॉर्टेंट थे। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग मैंने एक पूरी समरी बनाई है जिसमें मैंने चार चीजों पर फोकस करे हैं, प्रिपरेशन टिप्स अकॉर्डिंग टू देम एंड मी, ठीक है, रिज्यूमे टिप्स, एप्लीकेशन प्रोसेस, है ना, एप्लीकेशन मतलब कैसे अप्लाई करा या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था, और लास्ट में इंटरव्यू राउंड पर फोकस कि क्या क्या पूछा गया, क्या क्या हमें ध्यान रखना है ड्यूरिंग द इंटरव्यू, ठीक है। तो इसमें ऑन कैंपस भी है, ऑफ कैंपस भी है, पूरा सब कुछ बताने वाला हूँ, इंटर्नशिप भी है, प्लेसमेंट भी है, क्या होता है, कैसे चलता है, पूरा एक समरी बताने वाला हूँ। सो स्टे टिल एंड ऑफ द वीडियो, और अगर पसंद आए वीडियो तो लाइक एंड शेयर भी कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड डेफिनेटली सब्सक्राइब अवर चैनल, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट से स्टार्ट करते हैं, विच इज द प्रिपरेशन टिप्स अकॉर्डिंग टू देम, कि उन्होंने प्रिपरेशन में क्या ध्यान रखा या हमें जनरली क्या ध्यान रखना चाहिए। देखो प्रिपरेशन के टाइम उन्होंने सबसे पहले बोला सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स हैं, जितनी अच्छे से प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छे जाएंगे इंटरव्यूज। सबसे ज्यादा क्रिटिकल रोल डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स ने प्ले करा, है ना, उसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। सबने बोला कि वो कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करते रहते थे, ऐसा नहीं है कि बीच में छोड़ दिया था, दे स्टे कंसिस्टेंट इन DSNL को, उसने सबसे ज्यादा हेल्प करा इन देयर इंटरव्यूज, ठीक है। और उन्होंने क्या बोला कि कंसिस्टेंट रहने के लिए वो कोडिंग कॉन्टेस्ट में बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट करते थे, कोड फोर्सेस पे, कोड शेफ पे, या बेसिकली जो गूगल के कोड जैम होता है, किक स्टार्ट होता है, इस पे रेगुलर रहते थे, कोडिंग कॉन्टेस्ट हर बार ही देते ही देते थे, उससे वो कंसिस्टेंट रहते थे डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स में, ठीक है। और लास्ट पॉइंट उन्होंने बोला कि गूगल के इंटरव्यू से जस्ट पहले उन्होंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखे थे, उन चीजों ने काफी हेल्प करी बिकॉज गूगल ऑलमोस्ट सिमिलर क्वेश्चंस पे ही फोकस करता है ना, उसका एक क्वेश्चन बैंक है, तो हमें अगर जा रहे हैं हमारा इंटरव्यू होने वाला है तो प्रीवियस ईयर के इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, ये हमें अच्छे से पक्का से देख लेने चाहिए बिकॉज ऑलमोस्ट सिमिलर प्रॉब्लम्स फेस करोगे तुम इंटरव्यूज में। सो इन चीजों ने सबसे ज्यादा हेल्प करा उनको इंटरव्यूज निकालने के लिए। तो ये चीजें हम अच्छे से कर सकते हैं, अपनी प्रिपरेशन प्लान में भी डाल देते हैं कि यार इन चीजों का अच्छे से ध्यान रखेंगे एंड दैट विल रियली हेल्प अस इन इंटरव्यूज, ठीक है। बाकी कुछ और प्रिपरेशन टिप्स है उनको हम इंटरव्यू राउंड्स में डिस्कस करेंगे, जो लास्ट पार्ट है हमारा, वहां पर थोड़ा और देख लेंगे कि डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स बोल तो दिया, अब उसमें अंदर क्या आया, क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट फेवरेट टॉपिक्स थे, उसको करेंगे बट उसको एंड में कवर करते हैं, ठीक है। अभी थोड़ा सा रिज्यूमे के राउंड चलते हैं कि उन सब ने बोला यार रिज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है गूगल के इंटरव्यू के लिए। तो वो उन्होंने रिक्रूटर्स को रीच आउट करा, उन्होंने रिज्यूमे भेजा, रिज्यूमे की शॉर्टलिस्टिंग बहुत ज्यादा होती है गूगल में, तो जनरली रिज्यूमे के लिए उन्होंने बोला कि प्रोजेक्ट्स होने चाहिए रिज्यूमे पे, ऐसा नहीं होना चाहिए कि खाली लग रहा है रिज्यूमे, एक दो प्रोजेक्ट्स हो बट अच्छे हो, मतलब प्रोजेक्ट अगर लिखा है तो उसका पर्पस क्या है, क्या टेक्नोलॉजीज यूज करी हैं, उन चीजों को ढंग से हमने डिस्क्राइब करा हो रिज्यूमे को। और सबने बोला कि यार एक पेज का ही होना चाहिए रिज्यूमे, है ना, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, अगर लेस देन 5 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है तो एक पेज से ज्यादा रिज्यूमे नहीं होना चाहिए, रिज्यूमे पे फालतू की चीजें नहीं लिखी होनी चाहिए जो तुम्हारे रोल से मैच नहीं करती, अगर टेक रोल में जा रहा हो तो टेक वाली चीजें जनरली होनी चाहिए, अचीवमेंट्स, है ना, बाकी आलतू फालतू की चीजें नहीं होनी चाहिए रिज्यूमे पे। बाकी उन्होंने बोला कि जो भी जैसे इंटरव्यू जब हुआ तो जब वो इंटरव्यू रिज्यूमे देखता है तो वो कुछ भी पूछ सकता है रिज्यूमे पे, तो यू शुड बी कॉन्फिडेंट अबाउट योर रिज्यूमे, जो भी तुमने लिखा है उसमें हर चीज के बारे में बता सकते हो, फंसना मत, क्योंकि जब इंटरव्यू स्टार्ट होता है तो प्रोजेक्ट पे डिस्कशन होता है कि तुमने बनाया था, अच्छा क्या हुआ, उसके बाद वो DSNL का क्वेश्चन आता है, तो उसमें अगर तुम कॉन्फिडेंट नहीं हो तो बहुत ज्यादा खराब इंप्रेशन चले जाएगा इंटरव्यूअर के सामने, तो उस चीज का बहुत अच्छे से ध्यान रखना होता है कि रिज्यूमे पे जो भी लिख रहे हो उसका पूरा अच्छे से क्लैरिटी है, तुम्हें दिमाग से एकदम करा हुआ है कि हाँ मैंने बनाया था, क्यों बनाया था, कैसे बनाया था, सब कुछ तुम्हें अच्छे से क्लैरिटी है।
ठीक है, दीज वर द फ्यू रिज्यूमे टिप्स जो उन्होंने सबने बोला। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, विच इज द एप्लीकेशन प्रोसेस, कि कैसे कैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, इन चीजों के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। देखो यार, एप्लीकेशन प्रोसेस में जनरली ऑन कैंपस वालों के लिए तो ज्यादा लोड नहीं था, बिकॉज उनके कॉलेज में ही आती है, तो व्हाट दे डू इज कि मेल कर देते हैं, फिर रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट करते हैं, फिर जो शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं उनको फिर आगे फर्दर राउंड्स के लिए बुलाते हैं। ठीक है, उसमें रीच आउट करने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। ऑफ कैंपस वालों ने कैसे कैसे रीच आउट करा, देखो एक बंदे ने बोला उसने ईमेल अप्रोच करी, उसने रिक्रूटर्स को मेल करा, उसने 10-15 रिक्रूटर्स को मेल करा, अपना रिज्यूमे भेजा और एक रिक्रूटर से रिप्लाई आ गया लकीली, और उसको बेसिकली इंटरव्यू राउंड कैरी फॉरवर्ड हो गया। तो दैट इज द वन थिंग कि हम ईमेल अगर निकाले रिक्रूटर्स की उनको मेल करते चले जा सकते हैं। फिर क्या करते हैं लोग, लिंक्डइन पे रीच आउट करते हैं। लिंक्डइन में बहुत सारे रिक्रूटर्स हैं गूगल के, बहुत सारे SDEs हैं जो गूगल में काम कर रहे हैं, उनको रीच आउट करो। बट सबने बोला तब रीच आउट करो जब तुम्हारी प्रिपरेशन अच्छे से हो जाए, जब तुम्हारे रिज्यूमे पे हो, एक दो प्रोजेक्ट हो, तुम्हारे DSNLGO में अच्छे हो तुम, तब जाके वो कैरी फॉरवर्ड करेंगे तुम्हारा रिज्यूमे, तब जाके उन्हें मजा आएगा कि हाँ ये बंदा मुझे बढ़िया लग रहा है रिज्यूमे भेजने के लिए। तो प्लीज अपने पहले अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करो, उसके बाद अपना रिज्यूमे भेजो। तरीके बहुत सारे हैं, लिंक्डइन है, ईमेल है, दैट वर्कड आउट फॉर देम, आई थिंक अगर तुम्हारा अच्छे रिज्यूमे होगा तो तुम्हारे लिए भी वर्कड आउट करेगा। ठीक है, इसके अलावा उन्होंने बोला कि अगर तुम कोडिंग कॉन्टेस्ट जो होते हैं किक स्टार्ट, कोड जैम, उसमें अच्छा करते हो तो ऑटोमेटिकली गूगल तुम्हें कॉल कर लेगा, तो उन कोडिंग कॉन्टेस्ट में अगर तुम अच्छा कर लोगे तो गूगल के लिए काफी ज्यादा चांसेस बढ़ सकते हैं। तो दैट इज द वन थिंग यू कैन ट्राई, कि उन कॉन्टेस्ट में अच्छा करो। या दीज आर द वेरियस थिंग्स थ्रू विच यू कैन अप्लाई टू गूगल। बाकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जनरली ऑन कैंपस वालों के लिए थोड़ा था कि 7 CGPA एंड अबव होना चाहिए, बट ऑफ कैंपस वालों के लिए कोई CGPA कोई वो नहीं था एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, बस एक था कि बैकलॉग्स नहीं होनी चाहिए। पूरी शॉर्टलिस्टिंग रिज्यूमे बेसिस पे हो रही थी, कोई खास डिफरेंस नहीं था, रिज्यूमे अच्छा होगा तो तुम्हारी शॉर्टलिस्टिंग हो जाएगी, बस बैकलॉग्स नहीं होने चाहिए। और ऑन कैंपस वालों के लिए थोड़ा सा था कि CGPA 7 एंड अबव होनी चाहिए, ठीक है, फॉर इंटर्नशिप या फिर फुल टाइम दोनों टाइप्स के लिए। ठीक है, तो बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है एलिजिबिलिटी, आई थिंक CGPA 7 कैन बी मेंटेन्ड है ना, और बैकलॉग तो बिल्कुल नहीं आनी चाहिए, वो तो बेसिकली गूगल क्या किसी भी कंपनी में दिक्कत हो सकती है। सो ये सब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थे, कैसे अप्लाई कर सकते हैं उन चीजों के बारे में मैंने डिटेल में डिस्कस कर लिया। अब चलते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट पे, इंटरव्यू राउंड्स में क्या हुआ है ना, इंटरव्यू राउंड में कैसे रहा। देखो ऑफ कैंपस हो या ऑन कैंपस हो, जनरली अगर फुल टाइम हो तो क्या होता है 6 राउंड होते हैं। पहला एक प्री राउंड होता है जिसमें बेसिकली बेसिक DSNLGO का राउंड होगा कि तुम्हें कोड करना अच्छे से आता है, तुम प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हो या नहीं कर लेते हो। उसके बाद 4 राउंड होंगे जिसमें मोस्टली DSNLGO पे ही फोकस हुआ है उनका, थोड़ा बहुत मैं बताऊंगा डिटेल में कि क्या डिस्कशन हुआ, ऐसा नहीं केवल DSNLGO ही बट मोस्टली फोकस ऑन DSNLGO, और एक बिहेवियर राउंड हुआ जनरली एटीट्यूड चेक करने के लिए। तो ये चीजें हुई, बाकी डिटेल में बताता हूँ हर राउंड में कैसे हुआ। फॉर इंटर्नशिप 3-4 राउंड होते हैं डिपेंडिंग ऑन द लाइक पर्सन, कि किसी का शायद 3 हो रहे हैं, किसी के 4 हो रहे हैं। फर्स्ट राउंड जनरली ऑनलाइन कोडिंग राउंड हुआ, हैकर रैंक पे टेस्ट दिया लोगों ने। उसके बाद उनका 2 राउंड इंटरव्यू के राउंड हुए कि जिसमें उनसे क्वेश्चन वगैरह DSNLGO के फोकस पे पूछे गए, और लास्ट राउंड एक और HR राउंड हुआ जिसपे उनका एटीट्यूड थोड़ा सा चेक हुआ। ठीक है, जनरली ये चीजें होती हैं फॉर इंटर्नशिप एंड फुल टाइम पीपल, तो दैट इज देयर। अब उनके इंटरव्यू राउंड में अगर हम DSNLGO की बात कर रहे हैं, तो इंटरव्यू राउंड में अगर DSNLGO की बात करें तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो निकल के आए थे वो डायनेमिक प्रोग्रामिंग और बाइनरी सर्च थे। मतलब ये दोनों इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसपे आएगा ही आएगा तुम्हारे गूगल में इंटरव्यू में, कहीं ना कहीं तुम ना कहीं ना कहीं फेस करोगे, क्योंकि फुल टाइम में क्या हो रहे हैं 5 राउंड हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बाइनरी सर्च और डायनेमिक प्रोग्रामिंग आएगा ही आएगा। बाकी इसके अलावा जो हॉट टॉपिक्स थे जिनको मैंने निकाला है, BFS DFS के काफी क्वेश्चंस पूछे गए थे, लिंक्ड लिस्ट के काफी क्वेश्चंस पूछे गए थे, स्टैक्स एंड क्यूज के क्वेश्चंस पूछे गए थे, 2 पॉइंटर्स एल्गोरिथम के क्वेश्चंस आए थे, स्लाइडिंग विंडो एल्गोरिथम के क्वेश्चंस आए थे, और प्रायोरिटी क्यूज के क्वेश्चन आए थे। डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स में ये कुछ हॉट टॉपिक्स थे, ऑब्वियसली काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम पढ़ते हो तो इसके बिना तो तुम्हारा कुछ हो ही नहीं सकता। ये फ्यू हॉट टॉपिक्स है जिनका DSNLGO में काफी ज्यादा पूछा गया था। इन इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जहां पर जाके तुम क्या एक्चुअल प्रॉब्लम्स आई थी उनको प्रैक्टिस भी कर सकते हो। तो यू कैन सी ऑल द लिंक्स, जो भी इंटरव्यू एक्सपीरियंस है उनका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाके प्रैक्टिस भी कर सकते हो DSNLGO के क्वेश्चंस। ठीक है, बाकी वही है, DP और बाइनरी सर्च पे काफी ज्यादा फोकस था। ठीक है, इसके अलावा अब जैसे अगर हम बात करें इंटरव्यू राउंड DSNLGO का तो हो गया, बट लास्ट में कुछ कुछ राउंड में
ऑपरेटिंग सिस्टम का क्वेश्चन पूछा गया था, वर्चुअल मेमोरी का क्या होता है, ये सब DBMS की SQL क्वेरीज पूछी गई थी, है ना, सिस्टम डिजाइन का बेसिक पूछा गया था कि स्केलिंग कैसे करते हैं। तो बेसिकली अगर बेसिक नॉलेज हो OS, DBMS और सिस्टम डिजाइन की, उन्होंने भी काफी हेल्प करा टू क्रैक दोज इंटरव्यूज। तो 90% फोकस DSN algo पे भी है, बट इन टॉपिक्स पे भी थोड़ा फोकस हुआ है। और एज आई सेड, जब इंटरव्यू स्टार्ट होता है तो यार सबसे पहले प्रोजेक्ट पे डिस्कशन होता है, आस्क मी अबाउट योरसेल्फ होता है, तो उसमें थोड़ा बताना होता है कि तुमने क्या क्या काम करा है। रिज्यूमे पे थोड़े से ग्रिल डाउन हो सकते हैं क्वेश्चन, तो उसके लिए पक्का अच्छे से रेडी हमें रहना चाहिए। ये तो हो गए इंटरव्यू राउंड्स के बारे में बात, है ना, मैंने बता दिया, तुम प्रैक्टिस कर सकते हो, लिंक्स में है। बाकी एक जो बिहेवियर राउंड होता है उसमें थोड़ा सा एटीट्यूड चेक होता है। एटीट्यूड चेक कैसे होता है कि तुम गूगल क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, क्या एजेंडा है तुम्हारा गूगल ज्वाइन करने का, है ना, वहां थोड़ा सा डिप्लोमेटिक आंसर देने होते हैं। तो उनको एटीट्यूड चेक करना होता है कि बंदा सोचता सही है या नहीं, है ना, वो बात करते हैं कि तुम्हारी मैनेजर से फाइट हो गई तो तुम उस चीज को कैसे हैंडल करोगे। ऐसे ऐसे क्वेश्चन होते हैं बिहेवियर राउंड में कि तुमने सबसे ज्यादा चैलेंज क्या फेस करा आज तक अपनी लाइफ में, तो थोड़ा सा रेडी होके जाना होता है इन क्वेश्चन के लिए। ऐसा नहीं है कि बिना रेडी करे चले गए, ऑब्वियसली जैसा तुम्हारा एटीट्यूड होगा वो उन्हें पता चल जाएगा। सो ऐसा हो सकता है कि सारे इंटरव्यू राउंड फोड़ दिए बट यार जो एचआर राउंड है, जो बिहेवियर राउंड है, उसमें अच्छा नहीं कर पाए, बिकॉज तुम्हारा एटीट्यूड अच्छा नहीं था। तो प्लीज एटीट्यूड भी अच्छा होना चाहिए, दैट विल रियली हेल्प इन योर गूगल इंटरव्यूज। थोड़ा सा पढ़ के चले जाओगे अगर इन चीजों के बारे में, थोड़ा सा आंसर अपने रेडी करते हुए चले जाओगे, तो तुम्हें पता होगा कि मुझे कैसे आंसर करना है, ठीक है। ये तो हो गई इंटरव्यू राउंड्स की बात, पूरा मैंने डिटेल में बता दिया कि इंटरव्यू राउंड्स में कहां फोकस हुआ, DSN algo राउंड में कहां फोकस होता है, एचआर राउंड में कहां फोकस होता है। तो पूरा आई थिंक क्रिस्टल क्लियर क्लैरिटी हो गई होगी, हमने पूरा एक सब चीजें डिस्कस कर ली गूगल के बारे में, कैसे अप्लाई करना है, रिज्यूमे पे क्या ध्यान करना है, प्रिपरेशन में क्या ध्यान करना है, और इंटरव्यू राउंड्स में क्या ध्यान रखना है, ठीक है। तो आई थिंक दिस वीडियो विल रियली हेल्प यू, इसको सेव करके रखो, है ना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो जिससे कि उनको भी नॉलेज मिल जाए। देखो पूछा वही जाएगा DSN algo वगैरह ही, ऑब्वियसली दिन होगा तो गूगल भी निकल जाएगी, सब कुछ सिमिलर है। बस थोड़ा सा मैं एक बात कहूंगा लास्ट में, गूगल पूछता वही डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम से, बट उसके हार्ड लेवल के क्वेश्चंस पूछता है, है ना, मतलब प्रायोरिटी क्यू का इजी क्वेश्चन नहीं आएगा, तुम्हें सोचना पड़ेगा यहाँ प्रायोरिटी क्यू क्यों लगेगा। तो जैसा मैंने देखा, जैसा मैंने एनालाइज करा, आई थिंक कि उनका फोकस होता है कि बंदे को डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम की नॉलेज तो हो, बट उनको अप्लाई कैसे करते हैं वो बहुत अच्छे से आता, ठीक है। तो वो उस चीजों पे फोकस करेंगे, वो उस चीजों पे बहुत ज्यादा ग्रिल डाउन करेंगे, तो इन चीजों के लिए रेडी रहना, एंड दीज थिंग्स विल रियली हेल्प यू इन क्रैकिंग योर गूगल इंटरव्यूज, ठीक है। इसके अलावा मैंने पिछली बारी अमेजोन और माइक्रोसॉफ्ट की सिमिलर वीडियो बनाई थी, अगर तुमने नहीं देखी है तो प्लीज उसको जाके देखो, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा, ठीक है। वो तुम्हें अमेजोन माइक्रोसॉफ्ट अगर तुम देखोगे सिमिलर टाइप की चीजें ही है, बट अगर हमें कुछ ध्यान रखना है फॉर अ स्पेसिफिक कंपनी तो आई थिंक वी शुड वॉच दीज वीडियोज, है ना। इसके अलावा तुम्हारे कोई भी रिकमेंडेशन हो कि तो तुम मुझसे कुछ चाहते हो कि मैं इन वीडियोस में और चीजें कवर करूं या किसी और कंपनी के लिए कवर करूं, तो प्लीज टेल मी इन द कमेंट बॉक्स। और आई थिंक बाकी के लिए थैंक यू, और आई होप यू एंजॉयड द वीडियो।